इसे कहते हैं रिकॉर्ड तोड़ होली गाना। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पवन सिंह के न्यू गाना के ऊपर एंड नील कमल सिंह के न्यू गाना के ऊपर। तो इससे पहले अगर आप पवन सिंह का या फिर नील कमल सिंह का फैन है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए, क्योंकि हम इन दोनों से रिलेटेड हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं अपने चैनल पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम नील कमल सिंह के गाना के बारे में, जो कि गाना का टाइटल हितवा के दीदिया फरार। और भाई इसे कहते हैं सच में रिकॉर्ड तोड़ होली गाना, जो कि सारे गाना हम भोजपुरी चैनल पे अपलोड किया गया, 4 घंटा में 1.2 लाख व्यू। तो सबसे पहले आप एक छोटा सा क्लिप देख लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल यहीं पे ऐसा लगा कि हाँ ये होली गाना बज रहा, ये वो लिरिक्स से बज रहा जो एक गाना हिट हुआ था, या निकले वाधवा की ओर एक गाना है ना, सेम उसी का लिरिक्स मैच कर रहा है इसमें, एंड काफी अच्छा लगा और लग रहा है कि होली गाना बज रहा है। और भाई कौन कहता है कि नील कमल सिंह सिर्फ सैड सॉन्ग के बादशाह है, ऐसा नहीं, नील कमल सिंह ऑलराउंडर है, देख सकते हो, फनी में भी वीडियो बना देते हैं, अच्छा डांस भी कर देते हैं, एंड एक तरह से जो भी दे दीजिए उनको सब एक्टिंग कर लेते हैं, एंड गाना भी अच्छा गा लेते हैं, सिर्फ सैड सॉन्ग ही नहीं गाते हैं। तो ये गाना मात्र 4 घंटा में 1.2 लाख व्यूज क्रॉस कर चुका है और काफी अच्छा लगा सुन के। अब बात कर लेते हैं पवन सिंह के बारे में। तो जैसा कि पवन सिंह का न्यू सॉन्ग तारीख पे तारीख दिया जा रहा था एंड अपलोड नहीं हो रहा था, इसका पहला रीजन तो छपरा में इंटरनेट बंद था, इसी कारण अपलोड नहीं किया गया। लेकिन सबसे बड़ा रीजन तो पवन सिंह गाना ही नहीं गाए थे, एंड अभी उनका गला खराब बताया जा रहा है, देख सकते हैं गला खराब बताया जा रहा है। तो अब हम आपको बता देना चाहते हैं कि इनका गाना अब ये रिलीज ही नहीं होगा। जी हाँ, रिलीज नहीं होगा, इसका मतलब अभी नहीं होगा, लेकिन बाद में होगा रिलीज, 14 तारीख के बाद, बिकॉज इनका 14 तारीख का गाना आ रहा है सबसे बड़ा गाना, दुनिया के सबसे बड़े चैनल टी सीरीज पे रिलीज किया जाएगा। जी हाँ, तो यही कारण है कि आज 10 फरवरी है, तो शायद ये गाना इसीलिए नहीं अपलोड किया गया। बाकी सर्दी का क्या मैटर है ये हमको पता नहीं, लेकिन हमको यही लग रहा है कि ये वही सॉन्ग के चलते अपना स्टार्टअप खराब नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए रुके हुए हैं। जैसे ही 14 फरवरी को वीडियो अपलोड होगा, ठीक उसी के 2-3 दिन बाद ये गाना रिलीज कर दिया जाएगा। बाकी पवन सिंह का मर्जी कभी भी रिलीज करवा सकते हैं, आज भी कल भी, लेकिन अभी तक तो ये गाना नहीं गाए हैं, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं। और बाकी आपका ये स्टार्ट है कि पावर तो स्टार्ट कर चुके हैं, एक पहला होली सॉन्ग ला के ही, और पावर खत्म करेंगे ये अपना होली सॉन्ग ला के ही। तो ये छोटा सा अपडेट था। बाकी आप लोग किनका फैन है, पवन सिंह का या फिर नील कमल सिंह का, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।